इंट्रोडक्शन पार्ट, और इंट्रोडक्शन पार्ट का पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चल रहे हैं पार्ट फोर की ओर। हमने जो पार्ट थ्री कंप्लीट किया था, वो पार्ट थ्री कंप्लीट किया था पीपीसी कर्व के ऊपर, और पीपीसी कर्व के ऊपर हमने उसकी टेबल बनाई थी। और लास्ट जब हमने इसको एंड किया था तो टेबल के साथ एक डायग्राम भी बनाया था, और डायग्राम के साथ हमने इसको एंड किया था। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर फोर के ऊपर चलते हैं, और पार्ट नंबर फोर में दे रखा है सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हम आज पढ़ेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इकोनॉमिक कॉस्ट भी कहते हैं, कितनी बार क्वेश्चन इकोनॉमिक कॉस्ट के नाम से भी आ सकता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम या टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इसमें हमने पहले ले रखी सोशलिस्टिक, सेकंड ले रखी कैपिटलिस्टिक, और थर्ड ले रखी मिक्स इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक को क्या क्या नाम से डिनोट किया जाता है यहाँ पर हमने शो कर दिया है, तो हम वन बाय वन इसको स्टडी आउट करेंगे। बट सबसे पहले जो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बहुत सारी जगह पर इकोनॉमिक कॉस्ट के रूप में भी दे दिया जाता है। तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान दें कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इकोनॉमिक कॉस्ट भी कहा जाता है। शुरू करते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है। तो कल जब हमने इस सेशन को एंड किया था पीपीसी वाले सेशन को, तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था वीट और कॉटन का, और वीट और कॉटन में जैसे जैसे रिसोर्सेज हमने शिफ्ट किए थे, वैसे वैसे हमने देखा था कि अगर एक प्रोडक्ट को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे प्रोडक्ट को हम क्या कर रहे थे, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहे थे। बस बिल्कुल यहीं से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन निकलती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये कहती है कि यदि किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को अगर इंक्रीज किया जाए, तो उसके कंपेयर में जो क्वांटिटी हम डिक्रीज करते हैं, या जिस प्रोडक्ट की क्वांटिटी हम डिक्रीज करते हैं या सेक्रीफाइस करते हैं उसको इंक्रीज करने के लिए, वो सेक्रीफाइजिंग रेट जो होती है वो उस इंक्रीज करने वाली प्रोडक्ट के लिए क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। जैसे मैं कहूँ कि मैं किसी इंस्टीट्यूट पर वर्क कर रही हूँ, और इंस्टीट्यूट मुझे एक घंटा वर्क करने का या एक घंटा लेक्चर देने के लिए मुझे 5,000 रुपये पर डे देता है, और अगर वही वर्क मुझे अगर कोई और इंस्टीट्यूट ऑफर कर दें सेम टाइम सेम कंसेप्ट और लेकिन सैलरी इंक्रीज करके मुझे 7,000 रुपये के आसपास मुझे ऑफर कर दें, तो मुझे उस 7,000 की सैलरी को अगर ग्रैब करना है तो मुझे 5,000 वाली सैलरी को या उस वाली जॉब को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इट मीन्स जो इनके बिटवीन 2,000 रुपये का डिफरेंस है वही मेरी क्या हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी, जो मुझे इसके लिए मोटिवेट करेगी कि मैं इसको ग्रैब कर लूँ और 7,000 सैलरी को क्या कर लूँ, अचीव कर लूँ। तो बस यही कंसेप्ट इसके साथ भी लगता है कि अगर हम किसी एक प्रोडक्ट को इंक्रीज करते हैं तो उसके कंपेयर में जो दूसरा प्रोडक्ट होता है उसकी मात्रा को या उसकी क्वांटिटी को हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये सेक्रीफाइसिंग रेट जो होती है इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्ट को, वही उसकी क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। अब हिंदी में सुन लेते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बोलते हैं अवसर लागत। अवसर लागत क्या होती है, तो अवसर लागत को हम आर्थिक लागत के रूप में भी जानते हैं, और आर्थिक लागत और अवसर लागत दोनों एक ही वर्ड है, या यूं कहें कि दोनों का मीन एक ही होता है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। और अवसर लागत ये कहती है कि यदि हम किसी एक वस्तु की मात्रा को इंक्रीज करें या एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाएं, तो हमें उसके कंपेयर में जो उसके सेट में जो दूसरी वस्तु की मात्रा है उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो उस वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की छोड़ी गई मात्रा जो होती है, वह छोड़ी गई मात्रा ही पहली वस्तु के लिए क्या हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत हो जाएगी। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ पूछा जाता है पेपर के अंदर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर, या इकोनॉमी के टाइप कितने हैं या इसके टाइप्स कितने हैं उसके बारे में बात करते हैं। मैंने आपके सामने इकोनॉमी के 3 टाइप लिख रखे हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमी। फर्स्ट लिख रही है सोशलिस्टिक, जिसको और बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जिसमें मैंने आपके सामने मेंशन कर रखा है। सोशलिस्टिक कहा जा सकता है उसको, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहा जा सकता है। क्वेश्चन दोनों नाम से आ सकता है या किसी एक नाम से आ सकता है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दें, सोशलिस्टिक आए तब भी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी आए तब भी आपको एक ही आंसर देना है। सेकेंड जो होता है इसका टाइप होता है कैपिटलिस्टिक, और कैपिटलिस्टिक क्या अपन बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, और तीसरा है अपना मिक्स इकोनॉमी जो इंडिया के अंदर चलती है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी की बात करते हैं जो यूनाइटेड नेशन के अंदर चलती है, सोवियत संघ के अंदर चलती है।
इसको सोशलिस्टिक इकोनॉमी हम बोलते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो इकोनॉमी के थ्री टाइप्स है, या अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार, या इकोनॉमिक सिस्टम के तीन प्रकार होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट सोशलिस्टिक्स, जिसको हम बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी कैपिटलिस्टिक्स, जिसको हम बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरी होती है मिक्स इकोनॉमी, जिसको हम बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था सोवियत संघ में देखी जा सकती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका के साथ देखी जा सकती है, और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो इंडिया के अंदर देखी जा सकती है। तो हम पढ़ लेते हैं ये तीनों इकोनॉमी क्या क्या होती है। उसके बाद मैंने दो टाइप और लिख रखे हैं इसके नीचे। पहला लिख रखा है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और दूसरा लिख रखा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। चलो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी नाम से ही पता चल रहा है, जिसकी प्लानिंग सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। इट मीन्स एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें सारे डिसीजन, सारी प्लानिंग डिसीजन, इसके अलावा क्या प्रोडक्शन करना है, क्या प्रोड्यूस होगा, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहाँ कहाँ होगा, कंजेशन कैसे बनेंगे, किस तरह बनेंगे, इकोनॉमी कैसे वर्क करेगी, इनसे रिलेटेड सारे के सारे डिसीजन जो होते हैं वो गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लिए जाते हैं। तो इस तरह की इकोनॉमी जो होती है वो क्या कहलाती है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी कहलाती है। दूसरा, मार्केट के ऊपर पूरा कंट्रोल जो होता है, वो सारा कंट्रोल जो होता है वो भी सेंट्रल जो आपकी यूनिट होती है उसी के हाथों में होता है। इसका तीसरा, इसका मोटिव या एम क्या होता है, तो इस इकोनॉमी का मोटिव और एम होता है सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण करना। तो इस तरह की इकोनॉमी जो होती है वो कहलाती है सोशलिस्टिक इकोनॉमी कहलाती है, जिसको हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या केंद्रीयकृत योजना या केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो वापस सुन लीजिए, सोशलिस्टिक इकोनॉमी को हम केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था बोलते हैं, इसे समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। इसमें सारे डिसीजन जो होते हैं, सारे जितने भी निर्णय वगैरह होंगे, चाहे प्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे या कंजप्शन डिस्ट्रीब्यूशन से लगा, जो भी सारे डिसीजन जो होंगे वो सेंट्रल यूनिट जो होगी या गवर्नमेंट या सरकार जो होगी इसके द्वारा लिए जाएंगे। पूरी इकोनॉमी के ऊपर कंट्रोल जो होगा वो भी गवर्नमेंट या सरकार का होगा। तीसरा, इसका मेन मोटिव या एम जो होता है या लक्ष्य जो होता है वो होता है सामाजिक कल्याण करना या सोशल वेलफेयर करना। और इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं यूनाइटेड नेशन के साथ या सोवियत संघ के साथ। अब चलते हैं दूसरे प्रकार की ओर। हमारा दूसरा प्रकार है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी, और ये हमें अमेरिका में देखी जा सकती है, क्योंकि अमेरिका एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो हम बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें सारे डिसीजन जो होते हैं मार्केट की कंडीशन के रिगार्डिंग लिए जाते हैं। और मार्केट के दो मेन फैक्टर होते हैं, एक होता है सेलर और एक होता है बायर। ये दोनों मिलकर एक ऐसी रेट के ऊपर परचेज और सोल्ड करते हैं, और वहीं पर ये मार्केट जो होता है वो अपने प्राइस को डिसाइड करता है। तो इसमें सारे के सारे डिसीजन जो होते हैं इस तरह की इकोनॉमी में, सारे के सारे डिसीजन जो होते हैं मार्केट द्वारा लिए जाते हैं, या मार्केट के फैक्टर्स जो होते हैं, मार्केट के दो फैक्टर होते हैं, एक बायर होता है एक सेलर होता है, तो उनके द्वारा लिए जाते हैं। तो इस तरह की इकोनॉमी जो होती है वो मार्केट इकोनॉमी कहलाती है। दूसरा, इसका सबसे बड़ा मेन मोटिव जो होता है वो होता है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, मतलब अधिकतम प्रॉफिट को या अधिकतम लाभ को गेन करना होता है। तो इसका जो मेन मोटिव होता है वो यही होता है कि ये अधिकतम लाभ के लिए वर्क करती है, निजी कंपनियों के हाथों में होती है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर में होती है, और प्राइवेट सेक्टर में मार्केट की कंडीशन जो होती है, मार्केट के फैक्टर्स जो होते हैं वो इस तरह के प्रोडक्शन से रिलेटेड या कंजप्शन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सारा डिसीजन जो होते हैं इनके द्वारा लिए जाते हैं। और एग्जाम्पल दे सकते हैं हम अमेरिका के साथ। तीसरी इकोनॉमी के साथ चलते हैं, और तीसरी इकोनॉमी हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी, जो हमें इंडिया के अंदर देखने को मिल सकती है। ये सोशलिस्टिक्स और मार्केट इकोनॉमी जो होती है इन दोनों का मिक्स मिला जुला पार्ट होता है। इट मीन्स इसमें डिसीजन जो होते हैं वो तो गवर्नमेंट द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है वो प्राइवेट सेक्टर द्वारा की जाती है। इट मीन्स 50-50 का रेशियो रहता है, कुछ डिसीजन गवर्नमेंट लेती है तो कुछ डिसीजन जो होते हैं प्राइवेट सेक्टर खुद लेता है। इसके अलावा कुछ सेक्टर के अंदर सोशल वेलफेयर देखा जाता है और कुछ सेक्टर के अंदर प्राइवेट
प्रॉफिट भी देखा जा सकता है। तो इस तरह की जो इकोनॉमी होती है वो कहलाती है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। और इसका करंट एग्जांपल हम दे सकते हैं इंडिया के साथ। ये थी हमारी तीनों इकोनॉमी के टाइप। हमने पहले पढ़ी थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो ये बताती है कि यदि किसी एक गुड्स को इंक्रीज करोगे तो उसके कंपेयर में उसके सेट में जो दूसरी गुड्स दे रखी उसको हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और सेक्रीफाइस करने की रेट जो होगी उस इंक्रीज करने वाली गुड्स के लिए क्या कहलाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इकोनॉमिक कॉस्ट कहलाएगी। फिर हमने पढ़ा था सेकंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमी या टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम जो होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं, सोशलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक और मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके अलावा अदर बुक दो और दे रखी है मैंने, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, जो हम नेक्स्ट सेशन के साथ शुरू करेंगे। सोशलिस्टिक को हम किस नाम से जानते हैं, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, यूनाइटेड नेशन दे सकते हैं। फिर सेकंड हमने दे रखी है कैपिटलिस्टिक के साथ मार्केट इकोनॉमी, और इसका एग्जाम्पल है हमारा अमेरिका। और थर्ड हमने पढ़ी थी मिक्स्ड इकोनॉमी, और इसका एग्जाम्पल है जो इंडिया है। तो इन तीनों के साथ आज का सेशन एंड करते हैं, और कल फिर मिलेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के साथ और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के साथ। तब तक इकोजेट के साथ बने रहिए। आपकी जो भी क्वेरी है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, हम इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बाय बाय।